अ स्टोरी जड़ी है, दिस इज फ्रॉम द 9th कैंटो ऑफ श्रीमद भागवतम। श्रीमद भागवतम दे 9वें कैंटो दे विच आंदी है राजा रंती देव दी कथा। राजा रंती देव जड़न ही इज एक्चुअली एपिटोमी ऑफ पग क्या गए मर्सी दे कंपैशन दे। सो महाराजा रंती देव जड़न ही वाज हजारों साल पहले उन्हें दी कथा है कि हजारों साल पहले और रहंदे सी अपने राज्य दे विच और सारे दे उते बड़े ही कंपैशनेट सन। ते कहंदे कि राजा रंती देव जदों भी इन्ने दयालु सन कि एक बारी वो खाना खान बैठे ते वो सारे नु जो भी उन्हां कोल कोई मंगन आ जाए उन्हां दा नेचर सी स्वभाव सी कि उन्हूं वो देना ही देना है। कोई भी उन्हां कोल कुछ भी मंगन आए उन्होंने उन्हूं वो देना ही है। सर राजा रंती देव दे कोल एक दिन वो भोजन खान वास्ते बैठे ते उसी समय एक ब्राह्मण आ गया। सर ब्राह्मण आया ते उन्होंने ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उस ब्राह्मण नु उन्होंने ऑनर दिता और जो प्रसाद वो पा रहे सी पान तो हाली शुरू करन लगे सी रुक गए। उन्होंने वो प्रसाद जेड़ा सी सब तो पहले अपने परिवार दे कोलों भी वंडन नु परिवार नु भी वंडन तो पहले ही गेव द प्रसाद टू द ब्राह्मण एंड देन ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट ऑफ इट। सो व्हेन ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट ऑफ इट वो जो सारा उन्होंने वंडता उस तो बाद वो आप हाली पान लगे ना ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होया उन्होंने को। तो जो आप पान लगे दोबारा बैठ गए प्रसाद पान वास्ते और as soon as he was about to take again प्रसाद खान लगे उसी समय एक शूद्र आ गया और वो कदी भी फर्क नहीं करते सी। being a king he never discriminated, he was fully compassionate, उन्होंने अंदर दया ही दया सी। से एक कौन आ गया, पहले ब्राह्मण आया उन्होंने भोजन देता उस तो बाद एक शूद्र आ गया फिर उन्होंने उस शूद्र नो भोजन देता अपनी थाली चो भोजन शूद्र नु दे देता। सो हुन जड़ा रंती देव जड़न ओ शूद्र नु भी भोजन दे के हुन फिर सो बैठन लगे अपने उससे जो थोड़ा जा भोजन रह गया द लिटिल बिट ऑफ फूड दैट वाज लेफ्ट विद हिम ही नाउ वांटेड टू हैव दैट एंड ही सैट डाउन। तो वो बैठ गए उस भोजन नु लैण वास्ते छकन वास्ते। सो जिन जो भोजन छकन लगे उसी समय एक व्यक्ति पहुंच गया उहदे नाल बड़े सारे भुखे कुत्ते सन। He had a lot of dogs with him that were hungry. Hun Maharaja, unne Maharaja Ranti Dev nu kya ki mainu bhukh lagi hai, mere kuttiyan nu vi bhukh lagi hai. Maharaja Ranti Dev ne sara prasad unnu de ditta. Hun reh gaya sirf jal unna kol. Te unnu jal peen lage. So jin je jal peen lage, usi time ek chandal aa gaya. So chandal aa gaya te unne Raja nu kya mainu bhukh lagi hai. Raja ne kya ki मैं जो भी छकन लगा सी उन्होंने जल रह गया तो उन्होंने जल दे देता। सो एवरीबडी नाउ दोज हु अप्रोच्ड हिम दे गॉट इट। सो राजा रंती देव जड़े सन बड़े ही दयालु सन और तुसी जानते हो सारे कौन सन। उन सारे ने अपनी असली आइडेंटिटी राजा का इन्ना कंपैशन देख के इन्नी काइंडनेस देख के सब ने अपनी असली आइडेंटिटी दसी राजा ने प्रकट हो गए अपने असली रूप में। ओ सन ब्रह्मा जी, ओ सन शिव जी, वो सारे देवी देवता दे जड़े सन वो प्रकट होए उन्होंने सामने। से कहंदे कि महाराजा रंती देव जड़न ही वॉज नॉट एन ऑर्डनरी सोल, वो कोई ऑर्डनरी सोल नहीं सन। तो राजा रंती देव जड़न उन्होंने टेस्ट कौन लै रहे सी, डेमी गॉड्स देवता लै रहे सी, ब्रह्मा जी शिव जी और दे वो आए सी की बन के उन्होंने मेहमान बन के। वो ब्राह्मण बन के आए, वो चंडाल बन कर आए, वो शूद्र बन के आए। उन्होंने राजा नु टेस्ट कर लिया कि राजा की करता है, अपनी दया किंज देता है। सर राजा रंती देव जड़े उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की थी कि मैं भुखा रहांगा, बट ही गेव एवरीथिंग। श्रीमद भागवतम गोज ऑन टू एक्सप्लेन दैट एवरीवन हु फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ किंग रंती देवा बिकेम प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, इक्वली फ्रीड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ मटीरियल सफरिंग। So they get free from the suffering of the material world, those who follow Maharaja Ranti Dev. Jo Raja Ranti Dev nu follow karde, oh eh sansar di bhautik dukhan to kleshan to bach jande.